यह है वुयान, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित यह इलाका पहाड़ी की चोटी से सटा है। हल्के रंग के घरों और छोटे खेतों के साथ यह कस्बा काफी शांत लगता है। लाखों वर्ष पहले यह जगह पानी में डूबी हुई थी। कश्मीर अपने भूगर्भीय अतीत में मीठे पानी की एक विशाल झील था, लेकिन झील पीछे हट गई और बच गया यह स्थान जो तस्वीरों में दिख रहा है। इस स्कीमेटिक डायग्राम से देख सकते हैं कि कश्मीर वैली में 4 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा सिनारियो था, जो फिगर ए में आपको दिख रहा है कि ये पीर पंजाल रेंज है और ये साइड में हमारे पास हिमालयस रेंज है और बीच में पूरा लेक बना था और फिर पीर पंजाल रेंज अप हुआ और जो लेक है वो कंटिन्यूसली नॉर्थ की तरह शिफ्ट हो रही थी। और प्रेजेंट सिनारियो हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास बीच में जो ये ब्राइट कलर्ड मटीरियल है ये सारा करेवाज है। करेवा, इसकी उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पहले हुई। तब कश्मीर की बड़ी झील कश्मीर घाटी में परिवर्तित हो गई। भारतीय जीवाश्म विज्ञानी बीरबल साहनी ने 1936 के एक लेख में करेवा का वर्णन कमोबेश समतल चबूतरे या पहाड़ी मैदान के रूप में किया। यह कश्मीर घाटी के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, खासकर झेलम के बाएं किनारे को। तो करेवास हमारे पास एक आर्काइव है, एक सोर्स है, एक बुक जैसी है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है पिछले 4 मिलियन ईयर्स की कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा था। और क्लाइमेट के बगैर जब भी अर्थक्वेक्स हुए तो उसके जो इम्पैक्ट्स होते थे उससे उसमें सॉफ्ट सेडमेंट डिफॉर्मेशन होती है, जिसको हम फोल्ट्स बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं, सिस्माइट्स बोलते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस आर्काइव में पड़ी है, जिसको हम करेवास कहते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये इस पे बहुत कम काम हुआ है गिवन द कंडीशंस इन कश्मीर वैली। जैसे मैं 2015 में गया, एक सेक्शन को एक्सप्लोर किया, तो उस पे एक बड़ा सा एक रिसर्च पेपर आया योलिन रिसर्च में, पिछले 65,000 ईयर्स का क्लाइमेट हमने उसमें किया। लेकिन अभी कोई और अगर वहाँ जाएगा, वहाँ कुछ पड़ा ही नहीं है, वो सब लॉरी वाले लेके गए हैं। ये एक ही था, इट वॉज वन। अब क्या है, कंटिन्यूस जो यहाँ पे माइनिंग हो रही है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट की गई है बीच में से। तो ये तो एक जगह है, आपको ऐसे ही बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आपको हजारों जगहें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ऐसे ही दिन रात जो है मिट्टी निकाली है। दिन में तो नहीं निकालते हैं, ये काम होता है 10 बजे के बाद शुरू। द माइनिंग एक्चुअली स्टार्टेड अराउंड 98-99 व्हेन द वर्क ऑन काजीगुंड बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्टेड। उसमें इनको एलिवेशन बनानी थी, वो ट्रैक्स बनाने थे, उस पर लगाने थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी इनको चाहिए थी। और उसी में ऐसे फिर JCBs यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड ऑफ टाइम। और नाउ फ्रॉम लास्ट 5-6 months दिस क्ले, दिस सॉइल इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट टू डिकंजेस्ट द ट्रैफिक ऑफ श्रीनगर सिटी। उसके लिए भी जो है लॉट ऑफ क्ले माइनिंग इज डन एंड दैट कॉजेज सीरियस डैमेजेस टू दीज करेवास। जो हमारी नेचुरल एक टोपोग्राफी थी, ये खूबसूरती थी इलाके की, आजकल आपको दिखता है कि इट सिंपली लुक्स लाइक ए बम्बार्डेड एरिया। और सबसे ज़्यादा है कि जहाँ से ही निकल रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया। उसके बाद जहाँ से भी मिट्टी निकाली जाती है, those areas are now prone for mudslides, landslides. Unfortunately, कश्मीर वैली में बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोग इसको जस्ट एज डंपिंग मटीरियल देखते हैं, और उसका जो टॉप का जो लॉइस डिपॉजिट जो मैंने आपको बोला विंड से डिपॉजिट होता है, वो 80% सिल्ट होता है, उसमें कुछ पेबल्स वगैरह नहीं होते। लोग उसको प्रेफर करते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए, उसी मटीरियल को प्रेफर करते हैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड में टॉप फिलिंग करने के लिए, ताकि उनकी कल्टिवेशन अच्छी हो। इनफैक्ट सैफ्रॉन भी सारे उसी पे डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि उसका जो है परमेबिलिटी कम है, लेकिन उसका पोरोसिटी एनफ है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करे। करेवा की ऊपरी परत या दिलपुर फॉर्मेशन बेहद उपजाऊ है। इस मिट्टी का नरम होना इसे खेती के लिए उपयुक्त बना देता है। इस मिट्टी की खासियत इसे
केसर की खेती के लिए आदर्श बना देती है। एक्चुअली ये जो ज़मीन है ना, ये खाली कश्मीर के पंपोर में है। जो ये मिट्टी है ना, ये एक गॉड गिफ्ट है। ये केसर ओनली पंपोर में मिलेगा आपको। अगर ये दूसरी जगह हम लगाएंगे, जैसे श्रीनगर है या और कोई एरिया है वहाँ पर लगाएंगे, वहाँ ये उगता नहीं है। ये बस ओनली उगता है बस कश्मीर के पंपोर में है। 2008 से अब केसर बहुत कम निकल रहा है हमें। पहले अगर 90% केसर निकल रहा है, अब मुझे लगता है कि 35% हमें मिल रहा है। मसला यूँ हुआ कि एनवायरनमेंट सारा चेंज हो गया, पोल्यूशन हो गया, फैक्ट्रियों का पोल्यूशन हो गया, और ऊपर से जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें पाइप लाइन दिया, हम वाटर देंगे यहाँ पे, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं मिला हमें। दैट मीन्स हमारी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग भी कम हो रही है, हमारी इकोनॉमी पे भी असर हो रहा है इसका। बिकॉज हमारा जो यहाँ से प्रोड्यूस आता था, चाहे सैफरान आता था, चाहे कॉर्न आता था, चाहे एप्पल्स आते थे, चाहे बाकी चीज़ें, वॉलनट आता था, एलमंड आता था, उस पर असर होने लगा, एंड दिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। यह प्राचीन पठार और पौधों के जीवाश्मों का घर भी है, और पृथ्वी के अतीत के कई सुराग यहाँ छिपे हुए हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और भूमि के अवैध दोहन के चलते संकट में आए करेवा को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक्चुअली कश्मीर वैली में साइंटिस्ट ने जो काम किया, उन्होंने रिपोर्ट्स दी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन किया है, सेडमेंट ट्रांसपोर्टेशन को बैन किया है। बट प्रॉब्लम यही है कि बैन इफेक्टिव नहीं है, और जो है इलीगल माइनिंग इसमें हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा है इन आर्काइव्स में। इसकी एक आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इसकी एक जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है हम जाग जाएं, हमारे जो गवर्नमेंट है जाग जाएं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दे शुड वेक अप एंड दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट करेवास एंड आवर अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज।